साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीन्स के बारे में, जिन्हें देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फोरेज हार्वेस्टर। ये एक काफी एडवांस चारा काटने की मशीन है। भारी मात्रा में चारा काटने के लिए इस फोरेज हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। चारा काटने के साथ ही ये मशीन इसे प्रोसेस करके साथ ही चल रही ट्रॉली में एक थ्रोविंग आर्म के जरिए इकट्ठा करती जाती है, जहां से इन ट्रॉलीज को डायरेक्ट ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज दिया जाता है। यह है कॉटन हार्वेस्टर। भारी मात्रा में कॉटन हार्वेस्टिंग के लिए इन एडवांस मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीनें काफी सफाई से कॉटन के पौधों से कॉटन को अलग कर लेती है और इसके बाद ये मशीन जमा हुए कॉटन की बेल्स बना देती है। फिर इन बेल्स को ट्रैक्टर के जरिए एक जगह इकट्ठा किया जाता है, फिर यहाँ से इन्हें डायरेक्ट प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। यह है बेल्स रैपिंग। बेल्स रैपिंग मवेशियों के चारे को सुरक्षित रखने की एक शानदार प्रोसेस है। मशीनों के द्वारा घास के इन बेल्स को प्लास्टिक फिल्म में रैप किया जाता है, ताकि इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। ऐसा करने से इन घास की बेल्स को बारिश और सनलाइट से खराब होने से बचाया जा सकता है, ताकि घास को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके और जरूरत पड़ने पर जानवरों को दिया जा सके। यह है फील्ड प्लोइंग। नई फसल उगाने से पहले ट्रैक्टर द्वारा खेत की जुताई की जाती है, लेकिन अगर जुताई भारी मात्रा में करनी हो तो जरूरत होती है इन भारी भरकम और पावरफुल ट्रैक्टर्स की, जो कि कई हेक्टेयर जमीन को महज कुछ ही घंटों में खोद सकते हैं। ये अकेला मॉन्स्टर ट्रैक्टर 10 छोटे ट्रैक्टर की जितनी खुदाई एक बार में कर सकता है और इस ट्रैक्टर का नाम है बिग बर्ड ट्रैक्टर। यह है फ्लेम वीडिंग। फ्लेम वीडिंग का इस्तेमाल नई फसल उगाने से पहले किया जाता है, क्योंकि फसल काटने के बाद खेतों में उनके अवशेष और कई तरह के छोटे मोटे पौधे रह जाते हैं। उन्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए फ्लेम वीडिंग प्रोसेस के जरिए उन्हें जलाकर नष्ट किया जाता है, ताकि नई फसल को एकदम फ्रेश सरफेस मिले और नई फसल के साथ कोई अनवांटेड पौधे और झाड़ियां ना उगे। दोस्तों, आप इन मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीन्स के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है, भारत में भी ये मशीनें होनी चाहिए? अपने विचारों में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।